हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम ओपन करेंगे दोस्तों ये जो है 8 प्रो चार्जर, 8 प्रो, जो कि कम से कम इसमें 8 पोर्ट है। एक सी टाइप भी मिलेगा, एक क्विक चार्जिंग मिलेगा और बाकी के 6 जो पोर्ट है वो नॉर्मल चार्जिंग है और वायरलेस चार्जिंग भी इसमें इंक्लूड है। तो ये मैकेनिक कंपनी का है और पहली बात तो दोस्तों मैंने इसको यूज़ किया है और इसके कुछ 3 ऐसी प्रॉब्लम निकली है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो आप देखते हैं इसको, वो 3 प्रॉब्लम में क्या है और इसका प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो इसको हम चेक करेंगे और क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी चार्जिंग वगैरह तो सब हो रहा है। मोबाइल खुल जा इधर से शायद। दो ही चीज़ें आती है, एक चार्जर आता है और एक पावर केबल आती है। टाइम दोस्तों अब मिल रहा है मेरे को धीरे धीरे, तो मैं अब कर रहा हूँ। ये देखिए, ये चाहिए है चार्जर। तो इसमें क्या मेरे को 3 चीज़ें बुरी लगी इसकी। सबसे पहले तो इसका ये इतना सारा जो भी है वोल्टेज आउटपुट इनपुट के सारे मेजरमेंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों इसको हम चेक करते हैं इसकी पावर कॉर्ड लगा करके और इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है। अब ये देखिए गाइस, आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको दिख ही रहा होगा, उसका है डिम डिस्प्ले। पहली प्रॉब्लम इसकी डिम डिस्प्ले है। मैं लाइट बंद कर देता हूँ फोकस, तो फिर भी देखिए दोस्तों डिम डिस्प्ले। अब इसमें हमको एक प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। अब मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने क्विक चार्जिंग में हमारा फ़ोन लगाया है, क्विक चार्जिंग में फ़ोन लगाने के बाद हमने चार्जिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग बिल्कुल हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसने चार्जिंग ले लिया है। यदि क्विक चार्जिंग नहीं लेगा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये देखिए जैसे ही चार्जिंग लिया इसने और यहाँ पे चार्जिंग वगैरह कितने एम्पियर से हो रहा है, क्विक ये 9.1 वॉट ले रहा है और 2.0 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, पोर्ट नंबर 8 में लगा है। अब दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम आप समझना। अब मैं एक और फोन लगा रहा हूँ इसमें चार्जिंग। तो देखिए गाइस, जैसे कि हमने 1 पे हमारा नॉर्मल चार्जर लगाया है जो नॉर्मल फोनों में लगती है, ये लगाया। तो दोस्तों अब ये जो चार्ज हो रहा है हमारा फोन, तो अब जो है दिक्कत ये है कि इसमें बार बार ये शिफ्ट करता है। कहने का मतलब ये देखिए, एक एक दो दो मतलब 5-5 सेकंड में हमको ये भी बताता है कि ये इसका हो रहा है फिर ये इसका हो रहा है। तो मतलब यदि हम और भी इसमें पोर्ट लगाएं तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितने एम्पियर ले रहा है, जबकि हमारी जो पुरानी मशीन है जो मैं अपने पुराना चार्जर निकाल के बताता हूँ। जबकि हमारा ये पुराना चार्जर है, देखिए इसका पावर मैं निकाल के इसमें लगा देता हूँ, देखिए कितना बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। इसमें अब देखिए जिसका वोल्ट 5555 मतलब 6 पोजीशन इसमें बता रहा है। अब जैसे कि हम 1 पे हमारा फर्स्ट मोबाइल लगा देते तो उसका सेपरेटली बता रहा है कि भैया 1 नंबर से इतने एम्पियर पे हो रहा है। और अब हम दूसरा हमारा लगाते हैं जो वूक चार्जिंग वाला है, तो ये भी अब बता रहा है इसका। ये देखिए मतलब दो एक साथ ये इस डिस्प्ले में ये खासियत है इस चार्जर के मतलब इसमें चार्जर में कि इसमें हमको 6 के मतलब इमीडिएटली एट ए टाइम बता देगा कि कितने एम्पियर से ये चार्ज हो रहे हैं कितने। अब या तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमको यदि किसी चार्जर का मतलब किसी मोबाइल कितने एम्पियर ले रहा है हमको समझ ही नहीं पड़ेगी इसमें। हमको सबसे पहले तो या तो दोनों चार्जर में से एक चार्जर को निकालना होगा। अब जैसे कि ये चार्ज हो रहा है 5.2 वॉट से चार्ज हो रहा है, वोल्ट से चार्ज हो रहा है, 1.8 एम्पियर ले रहा है। अब हमारे को यदि हम यहाँ 3-4 चार्जर लगाए मतलब मोबाइल लगा दें तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक हटा हटा के देखना पड़ेगा। अब ये हमारा जो नीचे वाला लिया है तो अब इसमें हमको कन्फ्यूजन होगा कि भाई कौन सा वाला ले रहा है। ये बार बार यहाँ पे वोल्ट की जो सिस्टम है वो चेंज कर करके जरूर बताएगा। यहाँ पे ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी, या तो फिर हमें हटाना होगा फिर हमको देखना होगा। अब इसका देखना है तो भैया ये वाला लगा के इसको हटाना पड़ेगा। एट ए टाइम हम नहीं देख सकते, हमको मतलब 2-3 सेकंड रुकना होगा इसके लिए। अब यहाँ पे यदि 4 चार्जर 4 मोबाइल लगे हैं तो क्या हम इसके लिए देखते रहेंगे कि भैया कौन सा
नंबर का कितने वोल्ट दे रहा है, तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों फेल मेरे को लगी है इसकी। बाकी एक मैंने इसके पहले क्लिप बनाया था तो उस पर आईफोन रख के चार्ज करा था, वो मैं आप इस वीडियो मतलब इसके बाद आप देख लो। तो भैया ये देखिए आईफोन हमको मिल गया है हमारे मित्र का, तो यहाँ हम रख रहे हैं, चेक कर रहे हैं चार्जिंग होता है कि नहीं। तो हाँ गाइस ये बिल्कुल चार्जिंग हो रहा है, देखिए वायरलेस चार्जिंग भी इसका काम कर रहा है, देख सकते हैं आप ये वायरलेस चार्जिंग बंद हो गया। ये वायरलेस यह वायरलेस चार्जिंग बिल्कुल वर्क कर रहा है, और यह कितने वॉट से हो रहा है ये भी यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए ये तीन प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब शायद आप चार्जर नहीं लोगे, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी यार इसमें, कि इसके ये तीन प्रॉब्लम, क्योंकि हमें तो बिल्कुल एट ए टाइम जो भी है प्रॉब्लम दिखना चाहिए। अब हम इतना वेट थोड़ी करेंगे कि भैया इसका इसका अलग इसका अलग, तो मतलब क्या हम सबकी यूएसबी निकाल के देखेंगे। और दूसरी बात ये जब स्लीप मोड में चले जाता है तो भैया को जगाना पड़ता, भाई जागो बताओ कितने वोल्ट इसमें चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये स्लीप मोड में चले जाता है, हर दो मिनट में तीन मिनट में दोस्तों ये चार्ज होते होते पूरा स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे कि मैंने अभी एट ए टाइम बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम हमको रुकना होगा, तो ये मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जब ये स्लीप हो रहा था, तो वो भी आप ये वीडियो देखिए। तो देखिए गाइस इसका ये लूज पॉइंट है, यहाँ पे फोन हमारा चार्जिंग हो रहा है, देखो ये चार्जिंग हो रहा है हमारा फोन बिल्कुल हो रहा है, इसका सबसे बड़ा लूज पॉइंट यही है। अब ये यहाँ पे भाई साहब सोए पड़े हैं, मतलब ये स्लीप मोड में चले गए। अब इस पे ऊपर हम टच करेंगे ना, ये देखिए कहीं से कुछ टच करना पड़ता है, तो ये देखिए ऊपर दो बार टेप करेंगे तो ये वापिस जागेंगे। तो ये थोड़े से इसके मतलब यार लूज पॉइंट लगे हैं, मतलब हम चेक भी नहीं कर पाएंगे कि ये एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इस तरह से बहुत इसका ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मेरे को, ये स्लीप मोड में चला जाता है पर फोन चार्ज होता रहता है। ठीक है दोस्तों आपको समझ में आए तो लेना, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग तो होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताना कमेंट करके, और यदि लेने की इच्छा हो तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का ले लो, सबसे बढ़िया चार्जर है और ये काफ़ी सस्ता भी हो गया है, आपको 750-800 रुपये में मिल जाएगा मैक्स से मैक्स। तो ठीक है दोस्तों नेक्स्ट और प्रोडक्ट में आपको मैं बताऊंगा और जानकारी आपको दूंगा कि कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ अच्छी है और इनमें क्या क्या प्रॉब्लम रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, निकल देख के मत निकला करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है दोस्तों थैंक यू।